नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान की विशेषताएं इस टॉपिक पर पूर्व में क्लास लिया जा चुका है और आज इसका दूसरा और अंतिम भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और भारतीय संविधान की विशेषताएँ टॉपिक का पूरा अध्ययन करते हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में एक टॉपिक जो कि प्रस्तावना के रूप में निर्धारित था, वो एक टॉपिक भी है, चैप्टर भी है। तो इस तरीके से उस पर हमने डिटेल्ड में स्टडी किया हुआ था, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। तो उसके अंतर्गत हमने प्रस्तावना के अर्थ महत्व, प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति इत्यादि पर अध्ययन किया था। और आज हम इसके शेष भाग जो कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के स्वरूप का और उसकी विशेषताओं को भी समझने में मदद करता है के बारे में पूरी तरीके से डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग इस पे देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान की विशेषता है वो ये है कि ये लिखित है और व्यापक संविधान है। व्यापक का मतलब पूरी दुनिया में जितने भी संविधान अभी तक बनाए गए हैं उन सभी संविधानों की अगर तुलना किया जाए तो भारत का संविधान बहुत ही व्यापक संविधान है। लिखित संविधान का तात्पर्य यह है कि भारत में पूर्व में आपको क्लासेस में बताया गया कि एक संविधान सभा के लिए निर्वाचन गठन और उसके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करते हुए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था और पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। तो इस तरीके से भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से भारत का संविधान एक व्यापक संविधान है। व्यापक संविधान पूरी दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं सभी में संविधान की व्यवस्था की गई, उन सभी का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो भारत का संविधान एक व्यापक संविधान हो जाता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होता है। वर्तमान समय में यहाँ पे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। यद्यपि मूल संविधान में 8 अनुसूची ही थी और समय समय पर जरूरतों के अनुसार भूमि सुधार से संबंधित, दल बदल से संबंधित और पंचायतों से संबंधित, नगरीय सुशासन से संबंधित प्रावधानों को बनाने के लिए यहाँ पर संविधान में संशोधन किया गया और 9, 10, 11, 12 के क्रम में अनुसूचियों की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे व्यापक संविधान की श्रेणी में आता है। यह टॉपिक जो डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए ना केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा में जिस तरीके से जीएस के प्रश्न पत्र की डिजाइन की गई है वहाँ पर काफ़ी संख्या में सवाल पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे 50 शब्दों के भी सवाल होते हैं, 150 शब्दों के सवाल होते हैं और 25 शब्दों में। तो इस तरीके के टॉपिक्स में जिस तरीके से यहाँ पे विशेषताओं की फॉर्मेटिंग की गई है इसे भी टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है। तो इसलिए तथ्यात्मकता के साथ साथ आपकी जानकारी एक कॉन्सेप्ट के आधार पर होनी चाहिए ताकि न केवल अपने आप को आप प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी जो है मजबूती के साथ प्रस्तुत कर सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे लिखित संविधान के साथ साथ भारत का संविधान एक व्यापक संविधान है। दूसरा है कठोर एवं लचीला। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला संविधान है या कठोर एवं लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। इस पर पूर्व में भी चर्चा किया जा सका लेकिन आज भी हम इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से ये पूर्व लचीला भी है और कठोर भी है। तो इसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान के संशोधन की व्यवस्था को देखेंगे जिसके माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर को सॉल्व करने में और समझने में आसानी होगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें 3 प्रकार से संविधान संशोधन की बात कही गई है। पहला है साधारण जो है बहुमत, दूसरा जो है विशिष्ट और तीसरा है विशिष्ट प्लस कम से कम आधे
बाह्य राज्यों का अनुसमर्थन इस तरीके से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत तीन प्रकार से संविधान संशोधन की बात कही गई है और यह तीनों प्रकार के संविधान संशोधन के प्रावधान ही भारतीय संविधान को दोनों ही श्रेणी में रखते हैं, अर्थात भारतीय संविधान में दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जो अति महत्वपूर्ण प्रावधान है, ऐसे प्रावधान है जिससे भारतीय संघात्मक व्यवस्था, यहाँ की मूलभूत शासन प्रणाली प्रभावित होती है, उन सभी में विशिष्ट प्लस कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की बात कही गई है और जो सामान्य किस्म के प्रावधान है वहां पर साधारण बहुमत से भी हो सकता है, ताकि उन सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए या विद्यमान कानून में संशोधन करने के लिए किसी भी प्रकार की जटिलता का एहसास ना हो सके। इस तरीके से तीन प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। साधारण बहुमत से भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 2, 3, 4, 169, इन सभी में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 2-3 में राज्यों के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, बाहरी राज्य का जो है प्रावधान है, और आगे इसमें वर्तमान राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन की बात कही गई है। तो इन सभी से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति पर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इसी तरीके से 169 में विधान परिषद के संदर्भ में प्रावधान है, और अगर किसी भी राज्य के विधानमंडल के द्वारा इस तरीके का संकल्प पारित किया जाता है या अनुरोध किया जाता है तो उसके अनुरोध पर संसद के द्वारा वहां पर विधान परिषद का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये प्रावधान साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन की बात का प्रावधान करते हैं। इसी तरीके से विशिष्ट बहुमत नंबर 2 है। विशिष्ट बहुमत जैसे मूल अधिकार हो गया, नीति निदेशक तत्व हो गया, और वह प्रावधान जो 1 में और 3 में इन दोनों में शामिल नहीं है वह सब विशिष्ट प्रावधान की श्रेणी में आते हैं। यहां पर संसद अपने दोनों ही सदनों के द्वारा अलग अलग उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत एवं समस्त सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को पारित करती है। पुनः वो राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर उपरांत वह प्रस्ताव कानून बन जाता है। तो इस तरीके से विशिष्ट बहुमत के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की व्यवस्था है उसमें सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से उसको पास होना आवश्यक होता है। यहाँ पर एक चीज ये ध्यातव्य है कि संविधान संशोधन से संबंधित किसी भी प्रकार का जो प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों में कहीं पे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन इसके संदर्भ में एक विशिष्ट बात इसका प्रावधान किया गया है कि अगर संविधान संशोधन के संदर्भ में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसमें दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। गतिरोध होने की स्थिति में उस विषय पर लाया गया संविधान संशोधन विधेयक स्वतः जो है समाप्त हो जाता है, व्यपगत हो जाता है। कहीं कहीं पर यह शब्द भी लिखा मिलता है कि व्यपगत हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि विशिष्ट बहुमत के अंतर्गत ज्यादातर प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर विशिष्ट बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी बात कही गई है। ये प्रावधान या इससे संबंधित विषयों पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। जहां पर विशिष्ट जो प्रावधान है उसी तरीके से रखा गया है, अर्थात दोनों सदनों के द्वारा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत के साथ साथ इसे राज्यों में भेजा जाता है, उन राज्यों की इसमें सहमति बनती है, पुनः उससे संबंधित संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। तो तीसरे के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्य के कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, केंद्र के कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, केंद्रीय एवं राज्यों में विधायी संबंध, संसद की शक्तियां, 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद स्वयं 368 में अगर किसी तरीके का बदलाव करना हो, और इसी तरीके से
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और संघीय क्षेत्रों के लिए न्यायालय से संबंधित विषयों में अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना समीचीन होता है तो ऐसी स्थिति से संबंधित जो भी प्रस्ताव होंगे वो विशिष्ट बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन प्राप्त करने की बात कही जाती है। अर्थात इस 368 के अंतर्गत प्रावधान किए गए इन तीनों ही प्रकारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में तीन प्रकार की व्यवस्था की गई है, कुछ प्रावधान कठिन है, कुछ सामान्य है। तो इसी दोनों ही तीनों ही प्रकार के जो है संविधान संशोधन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। तो इस प्रकार की जो है बातें भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीला दोनों बनाती हैं। केशव ईयर ने पूर्व में भी ये बताया जा चुका है कि केशव ईयर ने भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा है कि भारत का संविधान कठोर एवं लचीले के मध्य एक बेहतर संतुलन स्थापित करता है। तो ये बातें आपको इन सभी चीजों से स्पष्ट हुआ। अगर कठोर एवं लचीले के मध्य संविधान पर जो है टिप्पणी आए तो आपको अनुच्छेद 368 का परीक्षा में उल्लेख करना है। साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत और विशिष्ट के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन होने की बात आपको अपने उत्तर पुस्तिका में शामिल करते हुए आपको 4 लाइन में अंत में निष्कर्ष लिखना होगा। तो इस तरीके से ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं जहां पर एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ भारत की व्यवस्था को संघात्मक रूप से बताने का प्रयास किया गया है। भारत का संविधान जब कभी भी एक लाइन में आप लोगों से पूछा जाएगा तो हमेशा आपको यही कहना है कि भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान, संविधान एक संघात्मक ढांचे की व्यवस्था करता है। परंतु इसके साथ साथ इस बात को भी स्पष्ट करना और समझना जरूरी है कि भारत में एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था है। यहाँ पर इस चीज को समझना तकनीकी रूप से आवश्यक है कि भारत में संघात्मकता की तरफ झुकाव के साथ एकात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत में एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ संघात्मक ढांचा है। मतलब झुकाव एकात्मकता की तरफ है बल्कि मूल रूप से वो संघात्मक ढांचा है। अगर हम उसको उलट करके देखेंगे तो हमारी व्यवस्था एकात्मक हो जाएगी और झुकाव संघात्मक हो जाएगा, तो ये व्याख्या जो है अपने आप में गलत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमको ये बताना है कि एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ भारत का संविधान एक संघात्मक शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। भारत के अगर इस विषय पर टिप्पणी करने को आता है तो आपको इस तरीके से प्रारंभ करना है कि भारत का संविधान एकात्मकता के साथ संघात्मक ढांचे की व्यवस्था करता है। अब एक बार एकात्मक शासन व्यवस्था और एक बार संघात्मक शासन व्यवस्था का आप अलग अलग उसमें व्याख्या करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। अर्थात इससे संबंधित जो प्रश्न मुख्य परीक्षा में अगर टिप्पणी के लिए आता है तो 4 भागों में बटा होगा। एक जो है सामान्य परिचय हो जाएगा और दूसरे में जो है 1 और 2, इन दोनों के लक्षण अलग अलग लिखने होंगे कि क्या जो है व्यवस्था है जो भारतीय संविधान को संघात्मक बनाता है और कौन सी व्यवस्था है जो भारतीय संविधान को एकात्मक बनाता है। इन दोनों के अध्ययन के आधार पर आप निष्कर्ष यही डालेंगे कि भारत जो है एकात्मक लक्षण के साथ साथ संघात्मक ढांचे की जो व्यवस्था करता है निष्कर्ष में लिखेंगे। और इसमें आप जो है एकात्मकता के साथ संघात्मक को डालते हुए ये अंत में जरूर बताएंगे कि संघात्मकता ही भारतीय संविधान के मूल ढांचे को स्पष्ट करता है, जबकि एकात्मक जो व्यवस्था है वो किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न जो है एकात्मकता के साथ झुकाव संघात्मक रूप में होने की बात कही जाती है वो स्पष्ट होगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम संघात्मक ढांचे की देख लेते हैं कि भारत का संविधान एक संघात्मक ढांचे की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भारत इंडिया से विद यूनियन ऑफ स्टेट, यहाँ पे यूनियन की बात कही गई है, फेडरेशन की बात नहीं कही गई है। अर्थात यहाँ पर संघ ना कहकर के यूनियन शब्द के माध्यम से संघ की व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका की तरह से जो है संघात्मक ढांचे की तो व्यवस्था करता है पर उसके डिग्री में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वहां पर राज्यों को ज्यादा मजबूत स्थिति में बनाया गया है, बल्कि भारत में जो राज्यों की स्थिति अपेक्षाकृत कुछ कम मजबूत है।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फेडरेशन के बजाय यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया और भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के अंतर्गत भारत में सूचियों के माध्यम से संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के द्वारा विषयों का स्पष्ट वर्गीकरण किया गया है और केंद्र तथा राज्य के द्वारा अपने अपने विषयों पर शासन का संचालन किया जाता है। उससे संबंधित विषयों पर कानून का निर्माण तथा जनता के कल्याण और देश के विकास के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है और इसके माध्यम से भारत में संघात्मक ढांचे की व्यवस्था की गई है। ये जो है पहले प्रकार यानी कि संघात्मक ढांचे की विशेषता को स्पष्ट करता है। दूसरी तरफ एकात्मक लक्षण भी इसमें विद्यमान है। वह एकात्मक लक्षण विशेष प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए किया गया है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली विद्यमान होने के साथ ही भारत में एकल संविधान की जो व्यवस्था की गई है कि भारत में एकल संविधान भारत में एकल संविधान की व्यवस्था की गई है, एकीकृत न्याय व्यवस्था एकीकृत न्याय व्यवस्था इकहरी नागरिकता आपातकालीन प्रावधान और अखिल भारतीय सेवाएं राज्यपाल का पद। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं हैं जो कि भारतीय संविधान में एकात्मकता की तरफ झुकाव के लक्षण को व्यक्त करते हैं। अगर प्रश्न इससे पूछा जाता है, इस तरीके की टिप्पणी आती है दोनों में कि झुकाव के साथ संघात्मकता, तो दोनों ही तरीके के प्रावधान को आपको स्पष्ट करना है और एकात्मक लक्षण में इन सभी बातों को जो लिखना है जो कि समय समय पर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के स्वरूप को थोड़ा सा बदल देते हैं और उसमें एकात्मकता की तरफ झुकाव के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से एकात्मकता के भी लक्षण विद्यमान है। यहाँ पर एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि भारत में जब संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई थी तो क्या आवश्यकता थी कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण को स्पष्ट किया गया जबकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई थी। तो इसके लिए कुछ कारण थे जिसको समझ लेना आवश्यक है जिसके लिए भारत में एकात्मकता के भी लक्षण को बनाए रखे गया। तो इसमें भारत का बृहद होना ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए जो है इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि एकात्मकता के लक्षण जो है इसमें बनाए गए। दूसरा, इसमें आपात या इसको ये कहा जाए कि विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासनिक एक रूपता के लिए ये सारे जो बिंदु हैं, जो विषय हैं, वो भारत के संविधान को बृहद बनाते हैं। भारत के संविधान को बृहद बनाते हैं। भारत के संविधान में विशिष्ट प्रकार की जो है स्थिति को शामिल करते हैं। यहां पर ये भी कहा जा सकता है कि भारत में एकता और अखंडता, क्योंकि भारत एक व्यापक संस्कृति वाला देश था, यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों की अपनी मान्यताएं थी, उसको लेकर के कई बार मांगे होती थी और उन मांगों के सापेक्ष कई बार मामले हिंसात्मक भी हो जाते थे। तो इस तरीके से राष्ट्र की एकता और अखंडता तो इस प्रकार से ये सारे कारण हैं जिसके लिए भारत में एकात्मकता के लक्षण के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया ताकि विशिष्ट परिस्थितियों में देश राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रख सके और शासन प्रणाली को बचाए रख सके। तो ऐसी स्थिति में ये सब कारण थे जिसके लिए भारतीय संविधान में समय अनुकूल एकात्मक लक्षण विद्यमान हो जाते हैं। अब हम
चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था में ये सारी चीजों का अध्ययन आपको करना है। अगर मुख्य परीक्षा में भी इसे टिप्पणी करने को आता है तो निश्चित तौर पर इस तरीके से लिखा जाएगा। ये प्रारंभिक परीक्षा में भी कई बार झुंकूट के रूप में आ सकता है, जहां पर कई आपको बिंदु दिए रहेंगे, कई जो है पॉइंट्स दिए रहेंगे, जिसमें से सेलेक्ट करना होगा कि क्या लक्षण एकात्मकता के, क्या लक्षण संघात्मकता के, तो उसमें वही चीजों को आपको सेलेक्ट करना है। अगली व्यवस्था है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। ये भी परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है, प्रारंभिक परीक्षा में विशेष सवाल पूछे जाते हैं। तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच भारतीय संविधान में समन्वय स्थापित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। ऐसी स्थिति में भारत में ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता के साथ साथ जो अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों ही व्यवस्थाओं को अपनाया गया, परंतु इन दोनों ही अतिवाद को यहाँ के अनुरूप समाप्त कर दिया गया। जैसे न्यायिक सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो अमेरिकी न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। परीक्षा में पूछा भी गया है, इसको जानकारी में होना आवश्यक है कि ये अमेरिका से जुड़ा हुआ जो है व्यवस्था है न्यायिक सर्वोच्चता। तो यहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, और न्यायिक सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो दो बिंदुओं के कारण से स्पष्ट होता है। एक तो ये है कि विधि की उचित प्रक्रिया, यहां पर विधि की उचित प्रक्रिया अपनाई गई है। दूसरा जो है विवेकपूर्ण, ये दोनों ही बिंदु जो है वो अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्पष्ट करती हैं। तो न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत ये बताता है कि वहां पर न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय सर्वोच्च होता है। अब उसको क्यों होता है, वो इन्हीं दोनों कारणों से होता है कि वहां पर विधि की उचित प्रक्रिया अपनाई गई है, अर्थात जो भी विधि का निर्वचन किया जाएगा वो उचित रूप में लागू होना चाहिए। जैसे भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लागू की गई है कि विधि के द्वारा जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं उसके क्रम में, उसी के सीमा रेखा में रह करके ही इसकी व्याख्या किया जाएगा, इन कानूनों और नियमों की व्याख्या किया जाएगा। लेकिन अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया, यानी कि वह वर्तमान समय में औचित्यपूर्ण है या नहीं, इसकी व्याख्या न्यायालय के द्वारा किया जाता है, और वह विवेक के आधार पर विद्यमान कानूनों का भी निर्वचन करता है, संविधान के किसी प्रावधान का निर्वचन करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। एक चीज और भी मैं बता दूं आपको, मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने के दौरान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं और विशिष्टताओं को समझना होगा और अपने उत्तर पुस्तिका में शामिल करना होगा जो आपके उत्तर को प्रभावी बनाता है। अगर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन निबंध जैसे विषयों में मैंने बताया था कि वहाँ पर सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो विषय से संबंधित होते हैं वहाँ पर आप विशिष्ट शब्दों का भी प्रयोग करेंगे तो आपका उत्तर अत्यंत ही प्रभावी बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर निर्वचन जैसे शब्द डालिए। निर्वचन का मतलब इंटरप्रिटेशन होता है, एक व्याख्या होता है, ये भी शब्द होता है, कहीं पर सामान्य रूप से लिखा जाता है, लेकिन अगर जब आप संविधान के संदर्भ में किसी कानून की व्याख्या के संदर्भ में कुछ लिख रहे हैं तो वहां पर आप निर्वचन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के जो सिद्धांत को अपनाया गया है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की व्यवस्था देखें तो वहां पर ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वहां पर संसदीय संप्रभुता का तात्पर्य है कि किसी विषय पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून अंतिम होता है। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है, एक तो वहां पर लिखित संविधान नहीं है, अतः संसद के द्वारा समय समय पर नियम और कानून बनाए जाते हैं और वही वहां पर सर्वोच्च होते हैं। तो इस तरीके से संसद के द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च होने के कारण से ही यहाँ पर और यहाँ की व्यवस्था को ये कहा जाता है कि ये संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसी के लिए पूर्व में भी मैंने बताया और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि ब्रिटेन की संसद के बारे में यह कथन प्रचलित है कि ब्रिटेन की संसद केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री छोड़ करके बाकी दुनिया का कोई भी कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से ब्रिटेन की जो संसद है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली संसद है, इसीलिए इसे संसद की माँ भी कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत में जो व्यवस्था है इन दोनों के मध्य अपनाया गया है। अब इसको देखना है कि कैसे आप अंत में निष्कर्ष की तरफ जब बढ़ेंगे, अगर ये सवाल परीक्षा में पूछता है तो पहले संसदीय संप्रभुता को दिखा देंगे, फिर न्यायिक सर्वोच्चता को दिखा देंगे, अंत में बताएंगे कि भारत में दोनों के मध्य स्थिति अपनाई गई है, दोनों यानी कि संसदीय संप्रभुता
और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच का मार्ग अपनाया गया है, अर्थात भारत में संविधान के रक्षा और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में भारत के न्यायालय को केंद्र और राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है और न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रावधानों को उस सीमा तक शून्य घोषित करने का अधिकार है जहां तक वो संविधान और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से टकराव की स्थिति में आता है। इसी तरीके से भारत के संसद को देश के जन कल्याण और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो यह सामान्य स्थिति में दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं, पर जहां पर टकराव की स्थिति होती है, अतिवादिता की स्थिति आती है, वहां पर दोनों के बीच की स्थिति को अपनाकर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का जो है समन्वय होता है। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। इसके बारे में पूर्व में बताया जा चुका है कि संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बनती है और अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति या उसके लोकप्रिय सदन के प्रति या अंतिम रूप से जनता के प्रति अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि कार्यपालिका में जो मंत्री होते हैं वो व्यवस्थापिका से बने होते हैं और व्यवस्थापिका की सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, उसके लोकप्रिय सदन का जनता के द्वारा किया जाता है और जो उच्च सदन होता है जैसे भारत में राज्यसभा है तो उसका चुनाव अलग अलग प्रकार से किया जाता है। उस टॉपिक में हम इस पर भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से भारत में संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पर इसलिए क्रम से रख दिया गया है ताकि आप लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में बड़े सवालों में ये सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है या छोटे सवालों में एक एक बिंदु पर एक एक जो है विशेषताओं को लेकर के टिप्पणी भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज को समझना आवश्यक है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में जो अपनाई गई है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था की भी एक विशेषता है जिसमें केंद्र में जो है सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर इसके बाद यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय जिसके अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो है व्यवस्था की गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं एकीकृत ढांचे के अंतर्गत बनाई गई हैं। इसके द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध हम यहाँ पर अपील और यहाँ से जो है यहाँ पर अपील कोर्ट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य यह है कि भारत में जो न्यायिक कार्य है उसे विधायिका और कार्यपालिका से पृथक किया गया है ताकि कोर्ट के द्वारा जन कल्याण के संदर्भ में या किसी भी प्रकार के विवाद के संदर्भ में बिना किसी दबाव के निर्णय लिया जा सके और जनता को न्याय प्रदान किया जा सके। तो इस तरीके से भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान किया गया है और इसे इस तरीके के प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की बात कही गई है ताकि जो है आने वाले समय में संसद इस पर कानून बना करके इस व्यवस्था को और भी प्रभावी कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इकाई नागरिकता, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण होता है इकाई नागरिकता, संघात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण होता है दोहरी नागरिकता, परंतु भारत में अगर देखा जाए तो इकाई नागरिकता अपनाई गई है या भारत की संघात्मक शासन प्रणाली को विशिष्ट बनाता है। इसी तरीके से स्वतंत्र निकायों का प्रावधान किया गया है, ये भारत में संसदीय शासन प्रणाली, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, संघात्मक ढांचे के विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई है। जैसे भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है ताकि सरकारी धन के खर्च का समय समय पर संप्रेक्षण यानी कि ऑडिट किया जा सके जिससे धन के सदुपयोग को सुनिश्चित किया जा सके, चुनाव को संपन्न किया जाए, क्योंकि चुनाव अगर नहीं होगा तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली स्थापित नहीं हो पाएगी क्योंकि चुनाव के समय ही जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है, चुनाव करती है। तो ये कार्य करने के लिए भारत में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की सेवाओं में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से भारत में विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र निकायों का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से भारत के संविधान और उसकी विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। तो आज का ये टॉपिक भारत की संविधान और विशेषताओं पर आधारित है और इसके माध्यम से आपको भारतीय संविधान एवं विशेषताओं के दूसरे और अंतिम भाग को स्पष्ट किया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।